ceremony for the Lord. We are mindful of the brother who put the baby in the land. Pardon the Yasava as the deal. Let the scene of the family be that the Lord, we are looking at the good and bad in the land and the good of God. As I am in the land, proceed in the dark mark of the human land. इधर से उठे और इधर आ गए और इधर आके पूछा यार रसूल अल्लाह
इधर मुंह फेर दो, वो सिहाब भी उठ के इधर आए और अर्ज करते या रसूलल्लाह क्या हस्ता हाथ फर्ज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं कह देता कि हर साल फर्ज है तो फिर हर साल फर्ज हो जाता, अगर मैं कह देता कि हर साल फर्ज है तो फिर हर साल फर्ज हो जाता, क्योंकि नबी का जो कौल होता है वो शरीयत होता है, नबी की जो बात होती है वो ऑथेंटिक होती है, मुस्तनद होती है और उसी में ही पैरवी लाजिम होती है। तो जब अल्लाह का नबी का रोश है सवाल पर तो इसका मतलब है कि सवाल करने वाले को इंतजार करना चाहिए और नबी इसलिए खामोश होता है कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए पता किया गया कि मुमकिन है तुम्हारे लिए कोई जो है मुश्किल आ रहा है कि तुम जब गैर जरूरी सवालों में पढ़ोगे तो अल्लाह का नबी जो है तुम्हारे लिए कोई हुक्म लागू कर देगा तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। ये तनाज़े तलाक़ के बारे में आपने मसला सुना होगा, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो है तनाज़े तलाक़ जमात के साथ पढ़ी, 3रे दिन आप नमाज जमात जो है वो कराने नहीं आए, सहाबी करम साहब ने आप इंतजार को बचे, जब सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह हम सारी रात आपके इंतजार को बचे रहेंगे, आप नए जो है नमाज तलाक़ पढ़ाएंगे। हजूर सल्लम ने फरमाया कि मैंने आज इसलिए तरावी की नमाज को जमात के साथ मिस कर दिया है कि कहीं मेरी उम्मत पे फर्ज ना हो, नहीं मेरी उम्मत पे फर्ज ना हो। अब अगर वो नमाज तरावी की इस वक्त जो हैसियत है वो सुन्नत मुअक्कदा है और अगर हजूर सल्लम जो है उस पर रेगुलरिटी कर देते तो फिर जो है वो फर्ज का दर्जा हो जाता, तो जिस तरह इस फर्ज नमाज को छोड़ने का गुनाह है तरावी के छोड़ने का भी इस तरह गुनाह होता है। इसलिए अच्छी बात है और नमाज से सवाल करें, साहिब इल्म लोगों से सवाल करें, हुज़ूर सल्लम ने फरमाया फिर सवाल में शिफा, उन सवाल करने में शिफा है, सवाल करने में शिफा है किसी मसले के बारे में, जब तक जो है वो सवाल का जवाब ना मिले तो वो उलझन बनी रहती है, लेकिन सवाल की नौईयत जो है वो तय होनी चाहिए कि सवाल जो है वो होना चाहिए जो आपकी जरूरत के मुताबिक हो, आपकी जिंदगी के मुताबिक हो, आपके हालात वाकयात के मुताबिक हो, ऐसा सवाल कि जिसका कोई मकसद नहीं, कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इस मकाम पर जो इशारा फरमाई वो बड़ी अहम है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्ता कसीम मिन अहलिल किताब लव यरुदूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारा, फरमाया कि जो अहले किताब हैं यहूदी हैं उनमें से अक्सर यहूदी वो हैं जो ये इरादा रखते हैं कि तुम्हें ईमान से निकालकर फिर कुफर में डाल दें, ईमान से निकालकर फिर कुफर में डाल, और आलमी सतह पर जो पॉलिसियां उनकी बनती हैं उनमें ये चीज पहले नंबर पर होती है, ठीक है, और आज भी एक तरह से हम तो उनके हाथों बिके हुए, हर पाकिस्तान जो है वो नहीं तीन लाख का उनका मकबूज है, वो जो चाहते हैं अपनी पॉलिसी लागू कर देते हैं और उधर बैठ के एक तलीम पे जो है वो जो मर्जी कर, तो फरमाया कि उनकी अक्सरियत जो है वो ये चाहती है कि तुम्हें ईमान से निकाल कर फिर जो है उसमें कुफर में डाल दे, अल्लाह ताला ने फरमाया हासदम मिन अनफुसिहिम, और करते क्यों है अल्लाह ने ये भी बता दी, अल्लाह ने फरमाया वो ये काम इसलिए करना चाहते हैं कि वो आपसे हसद करते हैं, हसद किस बात का करते हैं, हसद इस बात का करते हैं कि नबियों का सरदार है तो इनके पास है, हसद ये करते हैं कि काबरों की सरदार है तो इनके पास है, हसद ये करते हैं कि सारी उम्मतों से बढ़कर अगर उम्मत का शर्फ हासिल है तो रसूलुल्लाह की उम्मत को हासिल है, हसद करते हैं कि काबा इनके पास है, कुरान इनके पास है, और इस बात पर हसद करते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो इनके पास है, तो अल्लाह ताला ने आगाह फरमा दिया कि ऐ नबी ये आपसे हसद करते हैं और हसद की बिना पर जो है ये तुम्हारे मानने वालों को तुम्हारे उम्मतियों को जो है वो कुफर की तरफ जाने के जाना चाहते हैं। हसद जो है ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और आज इस दौर में हर दूसरा तीसरा बंदा हसद का शिकार है, हसद जो है ये वो गुनाह है कि जो हमारी नेकियों को जो है चाट के रख देता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वल हसद, के अपने आप को हसद से बचाओ, इन्नहु याकुमुल हसनात कमा ताकुलुन अल हतम, के हसद जो है
नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है, यानी हसद इतनी बड़ी बीमारी। और हसद का मतलब क्या होता है? हसद ये है कि किसी बंदे पे अल्लाह की नेमत को देख के ये कहना कि या अल्लाह इसको क्यों दी है, मुझे दे दे, यानी वो कहते हैं कि इसके पास ना हो और मेरे पास आ जाए। ये अगर बंदा किसी के बारे में दिल में रखता है तो वो बंदे से लड़ाई नहीं ले रहा बल्कि वो अल्लाह की तकसीम पे एतराज कर रहा है। अगर अल्लाह ने किसी को माल से नवाजा है, अल्लाह ने किसी को इल्म से नवाजा है, अखलाक से नवाजा है, तकवे से नवाजा है, भाई तू ख्वाहिश कर कि या अल्लाह जिस तरह इसको नवाजा है मुझे भी नवाज दे, या अल्लाह जिस तरह इसको अता किया है मुझे भी अता कर दे। और ये दिल में कोड रखना कि या अल्लाह इसको क्यों दिया है, इससे छीन के मुझे दे दे, ये हसद है और ये गुनाह है। और जब अल्लाह किसी दिल को हसद से पाक कर देता है ना, उसका रुतबा बहुत ज्यादा है। आज हमारे माशरे को अंदर की बीमारियों ने खोखला कर दिया हो, ठीक है, इतनी बाहर की बीमारियां खतरनाक नहीं बन गई जितनी अंदर की बीमारियां खतरनाक हो गई। हसद है, बुग्ज है, कीना है, एक दूसरे से नफरतें, अदावतें हैं, और इंसानी तौर पर हम जो है एक खतरनाक हद तक खड़े हैं, ठीक है। हम जो है किसी अनजान बंदे को सलाम करते हुए डरते हैं, किसी से सलाम दुआ करते हुए डरते हैं कि भाई जो है ये जो है मिलने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या कर लेगी, एक दूसरे से खौफ कर। एक वो दौर था कि जब इंसान जानवरों को दोस्त बना लेता था। हजरत जुनैद बगदादी जो है वो जंगल से आ रहे हैं ना, शेर पे बैठे हुए, लकड़ियां भी शेर पे रखी हुई। किसी ने पूछा हजरत ये शेर तो खाता है, आपकी कब से दोस्ती हो गई? आपने फरमाया जब से मैं आपको आ गया और आपने सारी चीजें ले लेता फरमाई मेरा दोस्त है बना, वो जो है घर छोड़ गया था, लकड़ियां भी आपको भी घर छोड़ गया। और आप यदि एक वक्त होता कि जब इंसान जानवर को दोस्त बना लेता है, जानवरों से नहीं डरता, और आप इंसान इंसान से डरता, इंसान इंसान से डरता, इसलिए ये खतरनाक है। और अगर वो दिल पाक हो जाए एक दूसरे के लिए, मकाम क्या मिलता है? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम मस्जिद नबी में बैठे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी एक शख्स आएगा, अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो उसको देखे। अल्लाह के नबी के इल्म का मकाम देखे कि हजूर को पहले पता है कौन जन्नती है। फरमाया अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो अभी एक बंदा आएगा उसको देखे। एक बुजुर्ग सियादी आए, वजू किया हुआ था, उनकी दाढ़ी से पानी गिर रहा था, हाथ में जूते पकड़े थे, उन्होंने जूते सहन पर रखे, हजूर की मजलिस में आके बैठ गए, सबसे आगे ने देख लिया। दूसरे दिन फिर हजूर ने फरमाया कि अभी एक शख्स आएगा, किसी ने जन्नती देखना हो तो उसको देख ले, फिर भी वही से आगे। तीसरे दिन फिर आपने फरमाया, फिर भी वही से आगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मेरे दिल में बड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं जरा देखूं तो सही है कौन सा अमल करता है कि अल्लाह के नबी ने इसके लिए तीन दिन फरमा दिया ये जन्नती है, जन्नत की बशारत दे दी। तीसरे दिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उसके साथ घर चले और कहते हैं कि आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। उस सहाबी रसूल थे, आज करते हैं अल्लाह के नबी के गुलाम हो, मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आप मेरे लिए मेहमान बन गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैं सारी रात जागता रहा, देखूं कि ये रात को कौन सी तस्बीहें करता है, उठ के क्या अमल करता है। आप फरमाते हैं जिस तरह मैं सोया रहा वो भी सोया रहा, सुबह हुई उसने भी नमाज पढ़ी, मैंने भी नमाज पढ़ी। जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा कि भाई मैं तो एक काम देखने आया था लेकिन मुझे नजर नहीं आया, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो, कौन सी नेकी ऐसी करते हो कि अल्लाह के नबी ने तेरे मरने से पहले तुझे जन्नत की निशानत दे दी है। वो सहाबी कहता है, मेरे पास और तो कोई अमल नहीं है और कोई नेकी नहीं है, हाँ जिस नेकी की बुनियाद पर मेरे नबी ने मेरे लिए जन्नत का ऐलान किया है वो ये है कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में हसद नहीं रखता, किसी के बारे में हसद नहीं रखता। उस हसद के ना होने की बिना पर मेरे नबी ने मुझे ये इनाम अता किया। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में तीन फितने हमेशा आए, हसद, बदगुमान और बदफामी। हसद ये भी रहेगा, बदगुमानी कि एक दूसरे के बारे में बदगुमान होना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। पत्थरों पर बैठे एक बंदा जा रहा है, कोई सोचना जा रहा है मेरे खिलाफ गला कर रहे हैं,
लेकिन इतनी बार तुम मान लो